हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एएसएम एप्टीट्यूड टेस्ट के कुछ डाउट्स को क्लियर करेंगे और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एप्टीट्यूड टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होगी एप्टीट्यूड टेस्ट में? तो मैं इसका आंसर बता दूं स्टूडेंट्स कि कोई भी एप्टीट्यूड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बिकॉज एप्टीट्यूड टेस्ट जो रेलवे कंडक्ट कराता है ये एट्रीब्यूट्स और क्वालिटी को जज करने के लिए होता है। दैट्स वाई आंसर करेक्ट भी हो सकते हैं और रॉन्ग भी हो सकते हैं और कई एक्सपेक्ट्स होते हैं आंसर के, इसीलिए इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। सो देयर वुड बी नो नेगेटिव मार्किंग इन एप्टीट्यूड टेस्ट और इसीलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए एप्टीट्यूड टेस्ट में, सो दैट योर चांसेस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड बिकम हाई। After that students, second question है, if the aptitude test of assistant station master or traffic assistant is now consists of 5 tests, then why the score of 6 tests will be generated? So students, बता दूं कि test आपके 5 ही होंगे जिसके अंदर से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, intelligence test, spiritual screening test, information ordering test, personality test और एक आपका सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, ये टोटल 5 टेस्ट आपके होने हैं और लेकिन आपके जो मार्क्स जनरेट होंगे ये 5 की जगह 6 सब्जेक्ट्स के लिए होंगे, बिकॉज स्टूडेंट जो पर्सनैलिटी टेस्ट आपका इसके अंदर एक टॉपिक है पर्सनैलिटी टेस्ट, इसके 2 एट्रीब्यूट्स के लिए मार्क्स जनरेट होंगे और इन दोनों एट्रीब्यूट्स के मार्क्स अलग अलग जनरेट होंगे। दैट्स वाई आप देंगे सिर्फ 5 टेस्ट लेकिन आपके जो मार्क्स जनरेट होंगे वो 6 सब्जेक्ट के जनरेट होंगे, 6 बैटरीज के जनरेट होंगे और दैट्स वाई यहाँ पर 6 टेस्ट के मार्क्स आपके फाइनल में जनरेट होंगे जिसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर बनाया जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट का और उसके बाद आपके टोटल सीबीटी 2 और एप्टीट्यूड टेस्ट के टोटल मार्क्स को 30:70:30 के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद मेरिट फाइनल मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। और अगर कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी एट्रीब्यूट में फेल होता है, मतलब किसी भी बैटरी में फेल होता है, इन 6 से टेस्ट के किसी बैटरी में फेल होता है, सो उसे अनसुटेबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसे उसी वक्त एएसएम की रेस से आउट कर दिया जाएगा। इज देयर एनी कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट सेम ऑल ओवर द कंट्री? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या कोई कट ऑफ क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं 17 जोन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट और ईच एंड एवरी जोन के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और क्या इन इसकी कट ऑफ सबकी अलग अलग जाएगी? तो मैं बता दूं सब जोनों की कट ऑफ एक ही रहेगी और एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर रिजर्वेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि चाहे वो एससी एसटी या ओबीसी किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट्स हो, उनको ये एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना ही होगा, इसको पास किए बिना वो एएसएम के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते। और बता दूं जो कट ऑफ क्राइटेरिया रहेगा वो सारी ही आरआरबीज के लिए और सभी स्टूडेंट के लिए सेम रहेगा ऑल ओवर द कंट्री, और ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो एप्टीट्यूड टेस्ट के होंगे ये आरआरबी के लिए सेम रहेंगे और इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्राइटेरिया टू क्वालिफाई फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड व्हाट इज द हाउ द टी स्कोर इज कैलकुलेटेड? सो स्टूडेंट्स, टी स्कोर एक स्कोर होगा जो आपको नॉर्मल इसके अंदर दिया जाएगा, जो कैलकुलेट होगा एक नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिकली मेथड से, एक स्ट्रेटजिकल फार्मूला है जिसके लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूला टी स्कोर का कैलकुलेट करने का, जिसके अंदर जो एक्स है ये आपके मार्क्स हैं जो कैलकुलेट करेगा इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हर एक टेस्ट के अंदर। आफ्टर दैट मीन आपको बताएगा कि टोटल नंबर जो ऑफ स्टूडेंट्स जितने एग्जाम दिया है उनके एवरेज स्कोर कितना आया है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। मीन आपको फॉर्मूला पता ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके अकॉर्डिंग आपका मीन निकाला जाएगा कि आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट का एवरेज कितना आया है, उसके बाद उसे डिवाइड किया जाएगा आपके स्टेप डेविएशन से, और स्टेप डिवीजन जो डिवाइड करने के बाद इस फॉर्मूले से आपका टी स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, और जब टी स्कोर आपका कैलकुलेट हो जाएगा इस 30% ले लिया जाएगा इसका और 30% कैलकुलेट कर लिया जाएगा आपके फाइनल मेरिट के बनाने के लिए, और सीबीटी 2 के 70% को मिलाकर आपका टोटल 100% ऑफ एएसएम की लिस्ट बन जाएगी और एएसएम की लिस्ट इसके अकॉर्डिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग बना दी जाएगी, और जो आपका टी स्कोर होगा ये ग्रेटर देन होगा 42 इन ई सब्जेक्ट, 42 से ग्रेटर होना चाहिए और इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, पहले बता चुका हूँ मैं इसके अंदर। स्टूडेंट्स, एक डाउट और है स्टूडेंट्स के मन में कि जो एएसएम के बाद जिन्होंने गुड्स गार्ड की पोस्ट प्रेफरेंस भरी है, क्या उनको अगर एएसएम अगर नहीं मिलता है तो क्या उनको गुड्स गार्ड मिलेगा? तो स्टूडेंट्स पक्का मिलेगा,
अगर आपकी कट ऑफ गुड्स गार्ड की कट ऑफ को पार कर रही है और आपने प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर गुड्स गार्ड को इंक्लूड किया है तो आप गुड्स गार्ड के लिए जरूर कंसिडर किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आपको कोई आपको कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप गुड्स गार्ड के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे या गुड्स गार्ड के लिए जो स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं वो परमानेंट हैं, तो ऐसा नहीं है, वो प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट हैं। अगर आप ASM की लिस्ट से बाहर होते हैं और आपके मार्क्स दूसरे स्टूडेंट्स से अच्छे हैं तो आप जरूर गुड्स गार्ड की लिस्ट में आगे आएंगे और गुड्स गार्ड की पोस्ट को आप एक्वायर करेंगे। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई भी डाउट का कोई वजह ही नहीं है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर दी जाएगी, चाहे वो गुड्स गार्ड की हो या ASM की। ASM इज बेटर देन गुड्स गार्ड बिकॉज द ग्रेड पे ऑफ ASM इज 4200 और इसकी अकॉर्डिंग सैलरी इसकी काफ़ी ज़्यादा बनेगी और गुड्स गार्ड की सैलरी काफ़ी अच्छी बनती है। बेशक इसका ग्रेड पे 2800 ही है लेकिन इसका जो सैलरी बनती है वो काफ़ी ज़्यादा बनती है बिकॉज ट्रैवलिंग अलाउंस काउंट होता है इसके अंदर। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल बुकवर्म्स ऑफ SSC एंड इफ यू वॉन्ट्स सम अदर टाइप ऑफ वीडियोज प्लीज टेल अस, वी ट्राई टू मेक देम फॉर यू एंड गुड बाय, गुड लक।